के लोग होते हैं ना भाई, उसके ऊपर तो भाई 0% भरोसा करना यार। मेरे साथ ऐसे ऐसे चीज हो चुकी है ना भाई कि मैं आप यार देखते ही देखते बारिश हो गई। आई डोंट नो गोप्रो पे अभी पानी के छींटे पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं, क्योंकि पानी के छींटे पड़े रहने से भाई आप लोग को फिर पूरा जो व्यू है वो खत्म हो जाता है। होगा कि भाई पुराना सिवा जो है अब राइड कर रहा है गाड़ी, क्योंकि यार मैंने बहुत दिन हो गया ना ये बकलोल करना बंद कर दिया था। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसी मेरी यूट्यूब की फैमिली, होप सब मस्त होंगे एंड होने भी चाहिए। सो यार दिल से सॉरी बिकॉज मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पा रहा था, ब्लॉग शेड्यूल बहुत बिजी हो चुका था भाई, और बहुत दिन से मैंने ब्लॉग स्किप भी कर दिया था। तो मैंने पिछले 5 दिन से सोच के रखा था कि भाई अब ब्लॉग शूट करूंगा, अब ब्लॉग शूट करूंगा, लेकिन जैसे क्लास से घर आता था ना भाई तो ब्लॉग शूट कर ही नहीं पा रहा था। तो ब्लॉग शूट ना करने के कारण फिर टाइम निकल जाता था, देन फिर मेरे को ना मन ही नहीं करता था, छोड़ो यार कल कर लेंगे। तो गाइस आज हम लोग कराने वाले अपनी गाड़ी पे, ये चेक करो, चाइनीज पॉकेट चेंज कराने वाले हैं, बिकॉज देख रहे हो भाई पूरी खत्म हो चुकी है भाई ये वाली चाइनीज पॉकेट। देन फिर हम लोग अपनी गाड़ी को टोटल सर्विस भी कराएंगे, और यहाँ का एक नट कब गायब हुआ भाई मेरे को पता ही नहीं है, यहाँ का एक नट गायब हो चुका है। और ये हम जब हम लोग कोंडागांव की राइड पे गए थे ना भाई, तब हम लोगों ने लगा लिया था। तो यहाँ की जो ऑयल है ना भाई वो हम लोगों ने रख लिया है, देन फिल्टर उल्टर फिर वही गैरेज में रख लिया है, कल परसों हम लोग खरीद के रख लिए थे। तो इस बार भी मैं जो है ना अपनी गाड़ी पे लगाने वाला हूँ 300V का मॉडल, 300V 10W40 जो कि फुल्ली सिंथेटिक होती है भाई। तो यार चलो चलते हैं और लगाते हैं अपनी गाड़ी पे, आज अपनी गाड़ी को टोटली सर्विस करेंगे। पहला तो चाइनीज पॉकेट चेंज होगा, फिर ऑयल फिल्टर, फिर एयर फिल्टर एंड ऑयल चेंज होगा। उसके बाद यहाँ की जो नट है ना भाई उस साइड की वो गायब है, उसको भी हम लोग रिपेयर करा लेंगे, मतलब नया नट डाल लेंगे, और इसको हम लोग कराएंगे ब्लैक। तो अपनी जो क्रैश गार्ड है वो भी काफी अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है। यूट्यूब के लिए ना भाई अपनी जॉब तक छोड़ दी थी, फिर मेरे को कल समझ आया कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, खुद को धोखा दे रहा हूँ कि अब से ब्लॉग करूंगा अब से ब्लॉग करूंगा। फिर जब कल आती थी ना भाई, फिर कल मेरा आ ही नहीं रहा था, कल आती थी तो फिर नेक्स्ट कल, कल आती थी फिर नेक्स्ट कल, ऐसी कर करके ना भाई पूरा 5 दिन निकल गया यार, जिसके कारण मैं ब्लॉग ही नहीं डाल पाया था। लास्ट ब्लॉग में आप लोग को बोला था कि यार हर 2 से 3 दिन में ब्लॉग दे दूंगा, लेकिन क्या है ना भाई बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल है यार। तो फिर मेरे को लगा कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, अच्छी खासी जॉब छोड़ दी इस यूट्यूब के लिए, देन फिर ब्लॉग ही नहीं बना पा रहा हूँ। तो यार गाइस मैंने सोच लिया कि अब से मैं जो है ना रेगुलर ब्लॉग करूंगा। तो ये रही अपनी हेलमेट की सेटअप, जो कि पूरी तरह से धूल हो चुकी है, ये चेक कर रहे हो भाई, देख रहे हो पूरी तरह से धूल हो चुकी है। अभी जो गोप्रो है ना भाई वो ऑन हो चुकी है, तो इसमें फुल चार्ज मैंने कल रात को ही कर दिया था। और अपनी हेलमेट भी भाई पूरा गंदा हो चुका है, फिर बैग भी देख रहे हो यार गरीबी पूरा फट चुका है। ये क्लासरूम का भाई मेरे पास एक ही बैग है यार, एक्चुअली 2 बैग है, बट एक बैग जो है दीदी लेके गई है, तो फिर उस वो बैग घर में नहीं होने के कारण मैं इसी में डाल दिया, क्या यार एक बोतल ही तो डालना है जो कि ऑयल की होगी। तो चलो यार मिलते हैं आप लोग को हेलमेट के सेटअप पे। ये चेक करो भाई हम लोग अपनी मोटो व्लॉग का सेटअप पहन चुके हैं और चलते हैं अभी यार गैरेज, क्योंकि हम लोगों को अपनी गाड़ी का जो है सर्विस कराना है, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल में तो देख ही लिया है। तो गाइस ये चीज ना भाई बहुत ज्यादा भारी है भाई, ये शॉक ऑफ रॉड है, जो स्प्लेंडर की ये नहीं आती भाई रॉड, ये वाली रॉड है, तो समझ जाओ भाई कितना ज्यादा भारी है। तो अभी चलते हैं यार, और इस चीज को हम लोग को बनाने का पीछे का वो जो है ना भाई मेन मोटिव है वो है स्टंट के लिए, देख रहे हो भाई इसमें अगर हम लोग स्टंट करने भाई, अभी आप लोग को हल्का सा व्हील चेक कराऊंगा जो कि पॉपअप नहीं होगी भाई, देखा विली पॉप ऑफ हुई नहीं, क्योंकि यार इसकी जो चाइनीज पॉकेट है ना भाई वो खत्म हो चुकी है, तो अपने आप स्किड कर रही है, जिसके कारण ना विली हो ही नहीं रही है भाई। ओ भाई साहब, सो यार पता नहीं भाई अभी कैसे में विली पॉप ऑफ हो रही है, बट जब हम लोगों ने बहुत ट्राई किया भाई ऑफ कैमरा बहुत ट्राई किया बट कुछ हुआ ही नहीं। बट अभी जो है ना भाई बहुत दिन के बाद आप लोग को लग रहा होगा कि भाई पुराना सिवा जो है अब राइड कर रहा है गाड़ी, क्योंकि यार मैंने बहुत दिन हो गया ना ये बकलोल करना बंद कर दिया था। तो अभी चलो गाइस चलते हैं फुल पावर,
भाई पूरा घोड़े की तरह दौड़ रही है भाई अपनी बाइक। यार यहाँ की जो रोड है ना भाई वो थोड़े से बबल्स है तो बहुत ज्यादा भाई पूरा जंप मार रही है भाई अपनी बाइक तो। लेकिन ऑयल इसकी पूरी खत्म हो चुकी है भाई, तो ऑयल हम लोग इसमें डलवा लेंगे। और लास्ट टाइम मैंने इसमें नदी पे कूदा दिया था अपनी बाइक, आप लोग को तो पता ही होगा। तो भाई ये चेक करो भाई, बारिश शुरू हो गई भाई। ये क्या, जब मैं ब्लॉग बनाने निकला तो बारिश हो गई भाई। तो अभी चलते हैं यार, बहुत तेज हो गई भाई बारिश। देख रहे हो यार, देखते ही देखते बारिश हो गई। आई डोंट नो गोप्रो पे अभी पानी के छींटे पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं, क्योंकि पानी के छींटे पड़े रहने से भाई आप लोग को फिर पूरा जो व्यू है वो खत्म हो जाता है। तो अभी चलते हैं भाई, छांव में रुकते हैं, बिकॉज भेजने से फिर हम लोग को, आप लोग को तो पता ही है गाइस, मेरे को थोड़ा सा भी बिकता हूँ ना तो तबीयत मेरी वाट लग जाती है। तो लास्ट टाइम मैंने इस गाड़ी को जो है ना पानी पे कूदा दिया था, जिसके कारण ना इसका एयर फिल्टर में पानी चल दिया था। तो फिर हम लोगों ने उस टाइम पे एयर फिल्टर जो है क्लीन करके इसी में वापस इंस्टॉल करा लिया था। तो आज हम लोग उसको भी क्लीन कराएंगे, मतलब नया डालेंगे, देन फिर अपनी ऑयल फिल्टर भी नया डालेंगे और ऑयल भी, और सामने की जो ब्रेक पैड है ना भाई वो भी चेंज करेंगे। तो भाई ये चेक करो यार, क्या यार पता नहीं भाई क्या सीन है। अभी देखो यार बारिश पूरी तरह से छूट चुकी है, रास्ते पे आप लोगों ने देखा होगा बारिश अच्छी खासी पड़ रही थी। अब गोप्रो पे पड़ी नहीं पड़ी वो तो मेरे को नहीं पता गाइस, तो गोप्रो साफ कर लेते हैं मेरी जान, नहीं तो फिर आप लोग बोलोगे क्या यार सी हुआ भाई, अपने गोप्रो को भी तो ध्यान दो। तो अभी चलते हैं भाई गैरेज। गाइस आप लोग को मैं एक चीज़ बोलूँगा भाई, आप लोग किसी के ऊपर भरोसा मत करना भाई। इवन जो साथ के लोग होते हैं ना भाई उसके ऊपर तो भाई 0% भरोसा करना यार। मेरे साथ ऐसे ऐसे चीज़ हो चुकी है ना भाई कि मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज मेरे को नहीं लगता कि भाई मेरे को इसमें जो है वो सब चीज़ अभी आप लोग के साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि यार वो अभी मेरी पर्सनल लाइफ हो चुकी है, बहुत ज़्यादा पर्सनल भाई। जो मेरे साथ के दोस्त हैं ना भाई वही मेरा टांग खींचने में लगे थे। वही चेक करो भाई, हम लोग पहुँच चुके हैं गैरेज, यहाँ से कराते हैं अपनी गाड़ी कब जो है फुल सर्विस। सो गाइस ये चेक करो भाई, आते ही साथ अपनी गाड़ी का काम जो है शुरू हो चुका है। और यहाँ पे भाई जो है ना ऑयल चेक करा है, ऑयल कुछ ज़्यादा ख़राब है या कुछ दिन चलेगी, बट फिर भी मैं यहाँ पे जो है ना भाई ऑयल चेंज करा। बट गाइस चाइनीज़ पॉकेट चेंज करने के बाद पता चल रहा है कि चाइनीज़ पॉकेट अभी इसकी जो हेल्थ है ना भाई वो काफ़ी अच्छी है। तो भाई यहाँ पे जो है ना तेल से मतलब तारपीन से पूरा साफ कर दे रहा है, इसके बाद हम लोग गाड़ी को ले जाएंगे धुलाने के लिए। तो भाई बोल रहा है कि कुछ किलोमीटर में समथिंग मतलब 1000 किलोमीटर तू चला ले गाड़ी को, उसके बाद चेंज कर लेंगे। तो भाई चेन क्लीन होने के बाद अपनी गाड़ी का जो है एयर फिल्टर क्लीन होगा, मतलब एयर फिल्टर चेंज करने वाले हैं हम लोग। उसके बाद फिर इंजन ऑयल का पारी है, उसके बाद फिर ब्रेक ऑयल करेंगे, ब्रेक पैड चेक करेंगे, देन फिर हम लोग गाड़ी को वॉश कराएंगे। तो मिलते हैं गाइस, आप लोग टाइमलेस में वीडियो एंजॉय करो। करो भाई अपनी रैप्टोर जो है बहुत दिन के बाद धुल रही है, क्योंकि यार हम लोग यहाँ से ऑयल लेके घर जा रहे थे, मतलब गैरेज जा रहे थे भाई के गैरेज। तो पहले गाड़ी वॉश करा लेते हैं, देन फिर गैरेज जाएंगे और ऑयल चेंज करवा लेंगे। तो भाई इसमें मैं जो है आप लोग को बोल कर रखा था कि एग्जॉस्ट भी चेंज करूंगा, तो भाई बहुत जल्द मैं इसमें एग्जॉस्ट भी डालने वाला हूँ। जो जो बंदे मेरे को इंस्टा में फॉलो करके रखे उन लोगों को तो पता चली गया होगा कि मैं कौन सा एग्जॉस्ट डालने वाला हूँ, और जो बंदे फॉलो करके नहीं रखे हैं तो भाई वो जाकर फॉलो करो, बिकॉज मैं ब्लॉग बनाने से पहले उसमें आप लोग को हिंट दे देता हूँ कि मेरी गाड़ी में जो है नेक्स्ट ब्लॉग क्या होने वाला है, नेक्स्ट मॉडिफिकेशन क्या होने वाला है। तो इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड कोने पे भी आ रहा होगा। तो शो गाइस ये चेक करो भाई, अपनी रैप्टोर जो पूरी तरह से फॉर्म वॉश हो चुकी है। इसमें अभी फॉर्म वॉश वाली वीडियो मैंने इसलिए नहीं डाली भाई, क्योंकि उसमें मतलब मैं कहीं गया रहा भाई और मेरे को पता नहीं था कि इसमें फॉर्म वॉश भी होती है। तो गाइस काफ़ी अच्छी तरह से अपनी बाइक जो है धुल रही है यार, चेक कर रहे हैं। ये चेक करो भाई, मैं आ चुका अपनी रैप्टोर पे एंड हेलमेट की सेटअप पे।
हम लोग भाई वहाँ से गाड़ी वॉश करा के निकल गए थे और गैरेज आ गए थे। गैरेज आके फिर हम लोगों ने तो इसमें ऑयल टॉप ऑफ करवा लिया। और चाइनीज पॉकेट का सीन ये है ना भाई कि चाइनीज पॉकेट भाई बोला कि अभी 1-2 हज़ार और चला ले, उसके बाद फिर चेंज कर देना। तो भाई गाड़ी चला के देखा, पिकअप प्रोवाइड कर रही है भाई 150 cc की बाइक, और तेरे को कितना पिकअप चाहिए, मेरी जान 390 वाला पिकअप तो मिलेगा नहीं, वैसा बोल रहा था पदम भाई हमको। तो यार गाइस हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि 1000 किलोमीटर और चलाएंगे, उसके बाद जो है इसकी चाइनीज पॉकेट जो है चेंज करवा लेंगे। चाइनीज पॉकेट अभी हम लोगों ने बैग में भर ली भाई, और ऑयल फिल्टर एंड एयर फिल्टर तो चेंज हो गया आप लोगों ने देख लिया। और जो ब्रेक पेड का सीन है ना भाई, ब्रेक पेड भी इसमें बची हुई है, बिकॉज मैं ब्रेक पेड जो है ना भाई ज़्यादा यूज़ ही नहीं करता हूँ। तो लेकिन धुलने के बाद अपनी जो बाइक है ना भाई पूरी मक्खन चल रही है भाई। अभी मेरे को नहीं पता मेरी जान गाड़ी धुलाने की वजह से हुआ है या फिर ऑयल चेंज कराने की वजह से हुआ है, लेकिन इतना बोल सकता हूँ कि गाड़ी पहले से बहुत ज़ोरदार चल रही है भाई। अब मेरी जो गाड़ी है ना भाई वो मेरे को पहले से, मतलब जो लास्ट टाइम मैंने इसकी माइलेज टेस्ट करी थी उसमें 35 की माइलेज निकाल के दी थी, फुल्ली रफ यूज़ किया था मैंने गाड़ी को, फुल्ली रफ चलाया था। तो अब हो सकता है कि भाई ये हमको 35 से 40 प्लस निकाल के दे दे जिस तरह से मैं बाइक चलाता हूँ, क्योंकि भाई उस टाइम पे चैन काफ़ी गंदी थी, प्लस टायर प्रेशर लो था और इंजन ऑयल ख़त्म हो चुकी थी भाई। तो अब हम लोगों ने नया इंजन ऑयल डलवा लिया, तो ये चेक करो भाई कितने पे डलवाई है हम लोगों ने नया इंजन ऑयल, अभी आप लोग को दिखा देता हूँ। अभी 18,757 किलोमीटर चल चुकी है। अब इसको हम लोग जो है इंजन ऑयल चेंज करेंगे, मतलब नेक्स्ट सर्विस रहेगी वो रहेगी हम लोग की 22,000 के अराउंड नेक्स्ट सर्विस रहेगी। तो भाई मैंने डिसाइड कर लिया कि अगली बार जो मैं मोटुल का ऑयल ना डाल के मैं इसमें डालूंगा, अपनी नेक्स्ट बार जो ऑयल रहेगी वो रहेगी यामा लूफ की। तो यामा की जो कंपनी है ना भाई वही ऑयल मैं आपसे इसमें यूज़ करने वाला हूँ। तो भाई लोग अब से आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब से डेली व्लॉग करूँगा। डेली व्लॉग तो नहीं कर पाऊँगा बिकॉज मेरी जो स्टडी है ना भाई वो भी मेरे को कंटिन्यू रखनी है। तो लेकिन अब से मैं गाइस ना 2-3 दिन के बाद आप लोग को व्लॉग प्रोवाइड करा दूंगा। और मैंने बोल के रखा था ना भाई कि मैं अपनी गाड़ी पे जो है दूसरी एग्जॉस्ट लगाऊंगा जो कि फुल सिस्टम एग्जॉस्ट होने वाली है। एक्राफोबिक हम लोगों ने पहले लगाई थी और हम लोगों ने निकाल दी एक्राफोबिक, तो अब हम लोग लगाने वाले हैं भाई उस पर SC प्रोजेक्टर। तो भाई कौन कौन एक्साइटेड हो यार कमेंट करो। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना एंड अपने भाई को सपोर्ट करने के वीडियोस को शेयर कर देना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट अच्छी सी ब्लॉग में, तब तक के लिए वी सेफ एंड राइट सेफ।